क्या सेंट है बाप, तभी तो ये अमीर लोग इतना खुशबू मारते हैं और गरीब हमेशा बदबू मारते हैं। अपन को भी इसकी आदत लगानी चाहिए, अपन भी तो पैसे वाले होने वाली है। मुक्ति, तुम्हारे लिए अचार। ऐसी हालत में खट्टा खाने का मन करता है ना, इसीलिए नींबू का अचार। वैसे नींबू का अचार तो मुझे बहुत पसंद है। मुक्ति, ये अचार भाभी ने हमारे लिए बनाया था। घर में बाकी सबको ऐसा ही लगता है ना कि हम भी माँ बनने वाले हैं, इसीलिए सच में मुक्ति तुम हमें मिल गई, नहीं तो पता नहीं घर की खुशियों का क्या होता। आप चिंता मत कीजिए, सबकी आशाएं बहुत जल्द पूरी हो जाएंगी। मैं थोड़ा अचार खा लूँ, मुझे देखकर बहुत मन कर रहा है। जरूर, पूरा तुम्हारे लिए ही है। नंदिनी, आप यहाँ हैं और मैं आपको सारे घर में ढूंढ रहा हूँ। मुझे एक जरूरी काम से बाहर जाने। आज तो अपन से बचकर किधर जा पाएगा सेठ? को हम पानी लेके आते हैं। मैं लेकर आता हूँ। हम पानी लेके आते हैं। तुमसे इतनी हड़बड़ी में अचार खाने के लिए, और किसी नौकर को बोल के अपने कमरे में पानी नहीं रखवा सकती हो तो? तुम्हें मालूम है ऐसी हालत में खांसने में बच्चे पे कितना असर पड़ता है। मुक्ति, तुम मां बनने वाली हो, अपना तुम्हें ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। मुक्ति, वो गुस्से में शायद ज्यादा बोल गए। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, माफ कीजिए, आइंदा से अपना ज्यादा ख्याल रखूंगी। अच्छा चलो, थोड़ा आराम कर लो। नंदिनी को क्या हो गया? ऐसे घबरा रही थी जैसे मुक्ति को खांसी नहीं दिल का दौरा पड़ा। इतना अपनापन वो ऐसी दोस्त के लिए जिसे इस घर में किसी ने भी नहीं देखा और ना ही जानता है। आखिर ये माजरा क्या है, पता तो लगाना ही पड़ेगा।